हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएसपीएसएल और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए मॉक सेट नंबर 3.2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर अवेयरनेस के। इससे पहले इस सीरीज़ के काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इन दोनों एग्ज़ाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। सो अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। जो नेपियर की टेक्नोलॉजी है कैलकुलेशन के लिए, उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है नेप्टोलॉजिया, विबोलॉजिया, सेमीकंडक्टर, लास्ट ऑप्शन है आपका रैपडोलॉजिया। जो नेपियर की टेक्नोलॉजी है कैलकुलेशन के लिए, इसको बोलते हैं रैपडोलॉजिया। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, रैपडोलॉजिया बोलते हैं जो नेपियर की टेक्नोलॉजी है कैलकुलेशन के लिए। ये भी आपने याद रखना है किसके लिए है, ये है कैलकुलेशन के लिए। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, रैपडोलॉजिया। यहीं से आपने एक नाम और याद रखना है, जिसका नाम है जोहन नेपियर। जोहन नेपियर जो हैं, ये हैं फादर ऑफ लॉगरिथम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ लॉगरिथम किसे कहा जाता है, उसका आंसर होगा जोहन नेपियर को कहा जाता है फादर ऑफ लॉगरिथम, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हु डिज़ाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन नायका। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम था इनायका, इसको किसने बनाया था यानी कि किसने डिज़ाइन किया था? आपके ये चार ऑप्शन हैं, जोहन वॉन न्यूमैन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका जोसेफ एम जैकवार्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रेस्पर इकट एंड जोहन मोशले यानी कि इन दोनों ने, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द पब यानी कि इन तीनों ऑप्शन को मिला के इसको बनाया था प्रेस्पर इकट और जोहन मोशले ने। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, प्रेस्पर इकट और जोहन मोशले ने बनाया था जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम है इनायका, इसको बोलते हैं इनायका। ये भी आपने याद रखना है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम है इनायका। इनायका स्टैंड्स करता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर। दिए गए चार ऑप्शन में से इंडिया का फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपके ये चार ऑप्शन है परम, प्रत्युष, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन परम ईशान, लास्ट ऑप्शन है आपका तेनहे टू। इंडिया का जो पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स यानी कि पीएफ सुपर कंप्यूटर जो है वो है प्रत्युष। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, प्रत्युष है, ये है इंडिया का फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, प्रत्युष। इसको इंडिया ने 2018 में बनाया था, इस प्रत्युष सुपर कंप्यूटर को। ये वर्ल्ड का फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ये भी आपने याद रखना है, ये फोर्थ प्लेस पर है। सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट प्रेजेंट टाइम में जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। इंडिया का जो है प्रत्युष ये फोर्थ प्लेस पर आता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी की है जिसको कहा जाता है टॉगल कीज। आपके ये चार ऑप्शन है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, लास्ट ऑप्शन है आपका बोथ वन एंड टू। दिए गए चार ऑप्शन में से जो टॉगल कीज हैं उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव यानी कि वन टू एंड थ्री। ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये टॉगल कीज हैं, कैप्स लॉक भी, नम लॉक भी और स्क्रॉल लॉक भी। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव, ये आपने याद रखना है, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। टोटल तीन टॉगल कीज होती हैं, एक तो है कैप्स लॉक, नम लॉक, थर्ड है स्क्रॉल लॉक, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक आपने याद रखनी है कम्बिनेशन कीज, कम्बिनेशन भी तीन होती हैं, कौन कौन सी? ये कम्बिनेशन कीज जो तीन होती हैं वो हैं कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट। ये सारी की सारी जो हैं ये हैं कम्बिनेशन की, इनको एक और नाम से जाना जाता है, उसका आंसर है मॉडिफायर कीज, यानी कम्बिनेशन कीज को ही कहा जाता है मॉडिफायर कीज, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इज यूज्ड फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ। जो OCR सिस्टम है ये किसको प्रिपेयर करने के लिए यानी किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ये OCR सिस्टम जो है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, थर्ड ऑप्शन है टेलीफोन बिल्स, लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। जो OCR सिस्टम है ये
सभी को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बाद टेलीफोन बिल्स, और थर्ड भी ऑप्शन है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। इन सभी को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ओसीआर सिस्टम, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। माउस के किस बटन को कहा जाता है मिडल बटन, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपके ये चार ऑप्शन हैं, राइट बटन, उसके बाद स्क्रॉल व्हील, और थर्ड ऑप्शन है आपका टच बार, और लास्ट ऑप्शन है आपका लेफ्ट बटन। माउस के जो बीच में बटन होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं जो माउस का मिडल बटन होता है, इसको थर्ड माउस का बटन भी बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, स्क्रॉल व्हील। एक होता है राइट बटन, एक होता है लेफ्ट बटन, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। जो मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस का उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन है आपका डिवाइस ड्राइव, और लास्ट ऑप्शन है आपका मेन डायरेक्टरी। जो मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस का उसको बोलते हैं मेन डायरेक्टरी, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मेन डायरेक्टरी बोलते हैं जो स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर होता है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मेन डायरेक्टरी। अगर पूछा जाए मेन डायरेक्टरी कौन सी होती है डिस्क में, यानी कि डिस्क वाला भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, आपसे पूछा जाता है जो मेन डायरेक्टरी है डिस्क की उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रूट, रूट बोलते हैं जो मेन डायरेक्टरी होती है डिस्क में, ये भी आपने याद रखना है रूट, और जो मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस में उसको बोलते हैं मेन डायरेक्टरी। दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड नंबर्स इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। जो मॉडर्न कंप्यूटर है जो रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स और नंबर्स को, ये इंटरनली क्या यूज़ करते हैं, यानी कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है? आपके चार ऑप्शन हैं पेंटा, बाइनरी, हेक्सा, और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑक्टल, ये यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो मॉडर्न टेक्निक है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें जो कैरेक्टर्स और नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है वेरियस चीज़ों को, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू। जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ किया जाता है, आपके चार ऑप्शन हैं डिस्कार्ड, सेल्स रिकॉर्ड्स, उसके बाद स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, जनरेट रिपोर्ट। जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं ये यूज़ किए जाते हैं कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमएस डॉस एक्सटर्नल कमांड। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी एमएस डॉस की एक्सटर्नल कमांड है? आपके चार ऑप्शन हैं DIR, उसके बाद कॉपी, फॉर्मेट, लास्ट ऑप्शन है आपका प्रॉम्प्ट। एमएस डॉस की जो एक्सटर्नल कमांड है उसका नाम है फॉर्मेट, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, फॉर्मेट है जो एक्सटर्नल कमांड है किसकी? एमएस डॉस की, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है जो फॉर्मेट है ये किसकी एक्सटर्नल कमांड है, उसका आंसर होगा एमएस डॉस, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जाता है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेवंथ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स, इनको क्रिएट करने के लिए? आपके चार ऑप्शन हैं जावा, केबल, डोमेन नेम, लास्ट ऑप्शन है आपका नेट। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है उसको बोलते हैं जावा, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, जावा लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है स्पेशल टाइप के प्रोग्राम को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्लेट्स, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, जावा लैंग्वेज। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन, द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड। जो बैकग्राउंड इमेज होती है डेस्कटॉप पर
उसको हम क्या बोलते हैं। आपके चार ऑप्शन हैं, ग्राफिक्स, वॉलपेपर, वॉलबैक, लास्ट ऑप्शन है आपका डेस्क कवर। यहाँ पर डेस्क कवर आएगा। ये आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जो बैकग्राउंड इमेज होती है डेस्कटॉप पर उसको बोलते हैं ग्राफिक्स। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ग्राफिक्स बोलते हैं जो बैकग्राउंड इमेज होती है डेस्कटॉप की। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ग्राफिक्स। एक क्वेश्चन यहीं से और पूछा जाता है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, जो बैकग्राउंड डेस्कटॉप के बैकग्राउंड इमेज होती है उसको बोलते हैं ग्राफिक्स। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट टू, जो वर्ड प्रोसेसर है ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, यानी कि किसके लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है यूज़ किया जाता है। आपके चार ऑप्शन हैं, पेंट अ पिक्चर यानी कि किसी पिक्चर को पेंट करने के लिए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ड्रॉ अ डायग्राम किसी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका टाइप अ स्टोरी यानी कि किसी स्टोरी को टाइप करने के लिए लिखने के लिए, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन वर्कआउट इनकम एंड एक्सपेंसेस यानी कि इनकम जो एक्सपेंसेस का ग्राफ है उसको उस पर वर्क करने के लिए यानी कि बनाने के लिए उसे। जो वर्ड प्रोसेसर है ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है किसी टाइप की स्टोरी को लिखने के लिए। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, टाइप आ स्टोरी, किसी टाइप की स्टोरी को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी वर्ड प्रोसेसर को। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, टाइप आ स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड स्पेलिंग चेक इज अ फीचर इज अवेलेबल इन विच टैब, जो एमएस वर्ड होता है इसमें जो स्पेलिंग चेकिंग की फीचर होती है ये कहाँ पर अवेलेबल होती है, यानी कि कौन सी टैब में अवेलेबल होती है स्पेलिंग चेकिंग की जो फीचर होती है, विशेषता होती है। ये आपके चार ऑप्शन हैं, रिव्यू टैब, उसके बाद फाइल टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब, लास्ट ऑप्शन है आपका होम टैब। इनमें से कौन सी टैब है जिसमें ये विशेषता होती है स्पेलिंग चेकिंग की, इस टैब का नाम है रिव्यू टैब। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, रिव्यू टैब में ये एक टैब फीचर होती है, विशेषता होती है, यानी कि जो लिखते हैं हम उसको चेक करने की विशेषता होती है रिव्यू टैब में। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, रिव्यू टैब। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इन टू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, जो बेसिक यूनिट होती है वर्कशीट की उसको क्या बोलते हैं हम, इसमें जो डाटा होता है उसको एंटर करते हैं एक्सेल में। ये चार ऑप्शन है आपके, टैब, सेल, रेंज और बॉक्स। इस बेसिक यूनिट को बोलते हैं हम सेल। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, सेल बोलते हैं जो बेसिक यूनिट होती है वर्कशीट की जिसमें हम अपना जो डाटा होता है उसको एंटर करते हैं एक्सेल में। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, सेल। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। विच कमांड इज यूज टू कैलकुलेट टोटल करेक्टर्स इन अ सेल, कौन सी कमांड है जो यूज़ की जाती है कि कितने जो करेक्टर हैं वो टाइप किए गए हैं या लिखे गए हैं किसी सेल में। ये चार ऑप्शन है आपके, LEN, उसके बाद लेंथ, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका मिड, उसके बाद सिड। ये चार ऑप्शन है आपके, ये जो कमांड है इसको बोलते हैं LEN। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है LEN, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये लेंथ की एक शॉर्ट फॉर्म है जो LEN है, लेन। ये आपने याद रखना है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th नंबर क्वेश्चन। विच इज़ द शॉर्टकट की टू इनवॉक स्पेल चेकर इन MS Access, कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ की जाती है स्पेलिंग चेकिंग के लिए MS Access में। ये चार ऑप्शन है आपके, F2, F7, Alt+F7 और लास्ट ऑप्शन है आपका F3। MS Access में जो स्पेलिंग चेकिंग के लिए हमारी शॉर्टकट की है उसको बोलते हैं F7। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, स्पेलिंग चेकिंग के लिए जो शॉर्टकट की है उसको बोलते हैं F7। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, F7। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। अ सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड, जो सेट ऑफ पॉसिबल डाटा होता है इसकी जो वैल्यू होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम। आपके ऑप्शन है एट्रीब्यूट, डिग्री, टप्पल, लास्ट ऑप्शन है आपका डोमेन। इन वैल्यूज़ को बोला जाता है डोमेन। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, डोमेन बोला जाता है जो सेट ऑफ पॉसिबल डाटा होता है
उसकी जो वैल्यू होती हैं उनको बोला जाता है डोमेन। इसलिए हमारा उस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन डोमेन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। इन अ नेटवर्क अ स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज। जो नेटवर्क पर जो मैसेज होते हैं, यानी कि जो आपको पता है कोई भी मैसेज होता है वो काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट जाता है जब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं? यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो मैसेज जाता है, पास होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसके लिए आपके चार ऑप्शन हैं, टोकन, बाइट, वर्ड और लास्ट ऑप्शन है आपका रिंग। इसको बोला जाता है टोकन। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, टोकन बोला जाता है जो रास्ते में जो मैसेज आता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, टोकन। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी क्लर्क में आया था 2019 के, 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा एसएससी क्लर्क का, उसका ये क्वेश्चन है, वहीं से उठाया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस दैट ज्वाइंस मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन वन लैन। कौन सा डिवाइस है जो ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लैंड के द्वारा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा? आपके ये चार ऑप्शन हैं, स्विच, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है रिपीटर, थर्ड है गेटवे, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन राउटर। इसको बोला जाता है स्विच। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्विच डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है अपने साथ लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से। यानी कि जो आपस में जो लोकल एरिया नेटवर्क बना होता है उसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। काफ़ी सारे जो कंप्यूटर होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं, उनको एक दूसरे से अटैच किया जाता है स्विच के माध्यम से। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्विच। सो ये थे 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको पता है एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। इस क्वेश्चन को मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है जो लाइव नहीं देख पाते हैं। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आपका क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। जो सी लैंग्वेज है इसको किसने डेवलप किया था? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन अडा बायरोन, सेकंड ऑप्शन है बिल गेट्स, उसके बाद थर्ड है ब्लेस पास्कल, लास्ट है डेनिस रिची। इनमें से किस पर्सन ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था? सो ये थे 20+1 21 क्वेश्चन जो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ रात को 9 बजे लाइव चलती है, आप इसे रात को 9 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि जो भी कैंडिडेट्स इन दोनों एग्ज़ाम में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।